एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ जेपी सर एंड यू आर वॉचिंग दिस चैनल। ओके स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड आई होप कि आप सभी को लेक्चर कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? आई थिंक ये सभी अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जस्ट बिकॉज इसके पहले भी हमने तीन टेंस की प्रैक्टिस की है, राइट? और वो तीन टेंस कौन है आप जानते ही होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, वन मिनट फिर से उसकी चर्चा कर लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, उसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, राइट? सो नकारात्मक वाक्य मीन्स जिन वाक्यों में नहीं शब्द का जिक्र किया जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट? कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, सपोज मानते हैं, मैं इस टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ बट एक जनरल टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, सो इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, ओके? और इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस को। और अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? जैसे कि मैंने कहा कि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, बट अगर इसे मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बोलेंगे कि मैं इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ। दैट मीन्स ये नहीं वर्ड आया, सो इट शोज नेगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, सो आई होप कि नेगेटिव सेंटेंस तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ओके, सो अब देखते हैं इस सेंटेंस की सेंटेंस पैटर्न, राइट? मीन्स नेगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस पैटर्न की ओर देखते हैं आगे। ओके, सबसे पहले क्या आता है, आप सभी को पता है कि कोई भी सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें या नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, उसमें हमेशा फ्रेंड्स सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, राइट? और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब, राइट, हैव बीन या हैज बीन होता है। सो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन या हैज बीन लिखा है। बट एक छोटी सी बात है जो इस पूरे लेक्चर में आप सभी को ध्यान रखना होगा, या फिर यूं कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमें याद रखना होगा। और वो क्या है दोस्तों, देखते हैं। अमुक स्टूडेंट से गलती क्या होती है, मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता है, राइट? सो अमुक स्टूडेंट करते क्या है फ्रेंड्स, हैव बीन और हैज बीन के बाद में नोट लगा देते हैं। बट रिमेंबर, एक मैं आपको बहुत ही आसान टेक्निक बताने जा रहा हूं, कभी भी हेल्पिंग वर्ब में एक वर्ड से ज्यादा वर्ड आ गया, दैट मीन्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हैं यहां पे हैव हैज के बाद में बीन भी एड हुआ है, या फिर एक टेंस अभी आएगा फ्यूचर में विल हैव बीन करके आएगा। सो आप लोग देखेंगे कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन एक वर्ड से दो वर्ड या तीन वर्ड हो जाता है। सो इन दैट सिचुएशन वी विल यूज नॉट बिटवीन दिस टू, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में हम नॉट यूज करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट से यही गलती होती है और इस पूरे लेक्चर में सबसे खास टॉपिक यही है, हमें वही समझना है। बाकी तो आप सभी को पता ही है कि नॉट हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, बट याद क्या रखना है कि हैव या हैज के बाद नोट आएगा फिर बीन आएगा, दैट मीन्स बीन को हमें सेपरेट कर देना है, जुदा कर देना है, राइट? चलिए, देन वो तो आप सभी को पता ही है, कल के लेक्चर में हमने देखा था वी वन प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड। ओके, सो आइए देखते हैं, अब ये तो आपको पता ही है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हैव बीन और हैज बीन कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है, यू ऑल नो दैट। ओके, हैव बीन इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे नेम्स, एंड हैज बीन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट फ्रेंड्स, सो यू नो दैट, ही फॉर बॉय, सी फॉर गर्ल, इट
फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑल्सो एनिमल्स एंड लिटल बेबी एंड ऑल्सो नेम इज इंक्लूडेड इन सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके सो विथ हैज बीन वी विल यूज सिंगुलर सब्जेक्ट. ऑल राइट, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन आता है. हमें शॉर्टकट में इतना याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है सो हम हैव बीन यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है सो हम हैज बीन यूज करेंगे. ओके सो आइए देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल की ओर जिससे आप इस टेंस को अच्छे तरीके से समझ सकें. ओके सो एक एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल तो मैंने आपको कल का ही दे दिया जिससे आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना हो सेंटेंस को बनाने में. कल भी पॉजिटिव सेंटेंस के लेक्चर में मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, बट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को समझाने के लिए सिर्फ मुझे एक वर्ड यूज करना है और वो आप सभी जानते हैं नहीं. जैसे कि ये सेंटेंस दिया गया है, श्रीमान मेहता 2 वर्ष से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं. ओके सो ये जो नहीं वर्ड है वो शो करता है नेगेटिव सेंटेंस. ऑल राइट, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा फ्रेंड्स, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है. सो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मिस्टर मेहता, देन हैज. हैज क्यों आया समझ गए होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज आता है. एंड श्रीमान मेहता इज वन काइंड ऑफ नेम एंड नेम इज ऑलवेज इंक्लूडेड सिंगुलर सब्जेक्ट. राइट, सो यहाँ पे हैज के तुरंत बाद नॉट लगाना है, उसकी चर्चा अभी मैंने की थी क्यों, और बीन को हमें सेपरेट कर देना है. देन मेन वर्ब क्या है, काम नहीं करना, मतलब काम नहीं तो नेगेटिव बता रहे, काम करना ये मेन वर्ब है. सो काम करने को फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं वर्क, बट यहाँ पे ing फॉर्म हो जाएगा वर्किंग. एंड अगर प्लेस की बात करें तो इस कंपनी में, इन दिस कंपनी, और जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था टाइम पीरियड है, कितने टाइम से काम नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, सो 2 वर्ष से, दैट मीन्स फॉर 2 ईयर्स. ऑल राइट, सो ये पहला सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, मिस्टर मेहता हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स. ओके वन मोर एग्जाम्पल वी विल सी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लता मंगेशकर 2 घंटे से गीत नहीं गा रही है, दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस. सो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लता मंगेशकर. ओके यू नो लता मंगेशकर इज वन काइंड ऑफ नेम एंड यू ऑल्सो नो दैट नेम इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी विल यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन. राइट, सो यहाँ पर हमने हैज लिखा, बट एज ए रूल, रूल के अनुसार मैंने आपको बताया कि हैज के तुरंत बाद नॉट लगाना है एंड बीन को सेपरेट कर देना है. राइट, जो मैंने यहाँ पे सिखाया था इन दोनों के बीच में नॉट यूज करना है. बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर आपने तो ऐसा कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है. आई नो हैव बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब है, बट मैंने आपको कहा कि एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं सो नॉट हमें फर्स्ट वर्ड के बाद ही यूज करना है. राइट, सो यहाँ पे हैज नॉट बीन आ गया. अब गाने को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड सिंग, बट ing फॉर्म सिंगिंग. क्या गाने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, गीत. राइट, अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, 2 घंटे से, दैट मीन्स फॉर 2 आवर्स. ऑल राइट, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने नेगेटिव सेंटेंस के टॉपिक को फिनिश करते हैं. ओके, फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है मेरे लेक्चर में सो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ओके और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है सो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर इट. ओके थैंक यू सो मच.